एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम प्रेजेंस बोर्ड रिजल्ट्स इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद। टेंथ का बायो का चैप्टर जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं जया प्रकरण, और इसमें हम टॉपिक आज आपको पढ़ाएंगे पादपों में उत्सर्जन, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछा जाता है, पादपों में उत्सर्जन का वर्णन कीजिए। ये 6 मार्क्स का आया हुआ है क्वेश्चन पिछले 2 सालों में 2017 एंड 2019, या फिर अथवा करके इस तरह से पूछा गया है क्वेश्चन एक बार, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स में पूछा गया है 2016, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे ताकि आप 4 मार्क्स जो है वो बोर्ड एग्जाम में ले सके। तो पादपों में उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट ऑक्सीजन जो एक गैस है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये गैस बनती है पौधे के लिए, ये भी एक अपशिष्ट पदार्थ है जिसे पौधे जो है वो रंध्र के द्वारा जो है वो बाहर निकाल देते। सेकेंड पॉइंट है कि वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा वाष्प के रूप में भी पौधे जो है वो अतिरिक्त जल को बाहर निकालते हैं, तो ये भी उत्सर्जन का तरीका है पौधों में। तीसरा तरीका कि कुछ व्यर्थ पदार्थों को पौधे जो है वो अपने वैक्यूल में, जिसे हिंदी में कोशिकीय रिक्तिका कहा जाता है, इसके अंदर भी एकत्रित कर लेते हैं, क्योंकि वैक्यूल का कार्य ही यही है कि वो अपशिष्ट पदार्थों को अपने अंदर इकट्ठा करते हैं। फोर्थ पॉइंट, कुछ व्यर्थ पदार्थ को बोन, जिन्हें हम मानते हैं कि ये पौधे द्वारा उत्सर्जित होने वाले पदार्थ हैं, बोन या रेजिन के रूप में पौधे जो है वो पुराने जाइलम ऊतकों में संचित कर लेते हैं, इकट्ठा करके रख लेते हैं। पांचवा पॉइंट कि कुछ व्यर्थ पदार्थ पौधे अपनी पत्तियों में भी इकट्ठा कर लेते हैं, और आपने देखा होगा कि पत्तियां जो हैं वो गिर जाती हैं कुछ समय बाद, तो वो गिर इसीलिए जाती है क्योंकि उनका वेस्ट जो है वो धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। सिक्स पॉइंट, कुछ व्यर्थ पदार्थों को पौधे अपनी जड़ों द्वारा भी सीधा मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं, यानी कि मिट्टी में ही निकाल देते हैं। तो ये 6 पॉइंट है, 6 तरीके हैं जो पौधे ने अपनाए हैं अपने उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए। दोबारा से हम एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट, ऑक्सीजन गैस जो पौधे के लिए एक वेस्ट है, क्योंकि उसने प्रकाश संश्लेषण में एक उत्पाद के रूप में ये पैदा होती है, इसे पौधे अपने रंध्र द्वारा, रंध्र को क्या कहते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा द्वारा ये पौधे से बाहर निकाल देते हैं। सेकंड पॉइंट, वाष्प उत्सर्जन, ये पौधों में होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपने अतिरिक्त जल को बाहर निकालते हैं, ये क्रिया भी रंध्र के द्वारा ही होती है। तीसरा पॉइंट, कुछ व्यर्थ पदार्थों को पौधे अपने वैक्यूल में, अपनी रिक्तिका में एकत्रित कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, कुछ व्यर्थ पदार्थों को जैसे कि गोंद या रेसिन के रूप में पौधे अपने जो ओल्ड जाइलम टिश्यूज हैं, पुराने जो जाइलम ऊतक है उसमें इकट्ठा कर लेते हैं, और कुछ व्यर्थ पदार्थ पौधे पत्तियों में भी एकत्रित करते हैं जो बाद में पत्तियां गिर जाती हैं, और कुछ व्यर्थ पदार्थों को पौधा सीधे अपने आसपास की जो मृदा होती है उसमें ही उत्सर्जित कर देते हैं। तो ये 6 पॉइंट है, अगर आप ये 6 पॉइंट लिख के आओगे तो 6 मार्क्स आपको जो है वो आराम से स्कोर होंगे। इसमें आपने जो मेन मेन पॉइंट है उसको आपने ध्यान में रखना है ताकि हम मेन वो वर्ड यूज कर सके अपने आंसर में, क्योंकि जो मार्क्स है आपको उन वर्ड्स के ऊपर ही मिलने हैं। तो आप इसे एक बार ध्यान से अगर आप इसे लर्न करोगे, पढ़ोगे, तो श्योर श्योर आप जो है वो पूरे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।